रोटी उसी को मिलती है जिसको भूख होती है, जॉब उसी को मिलता है जिसको नीड होती है। फाइनेंस का ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फाइनेंस अज्ञान, आरबीएल फाइनेंस, आरबीएल बैंक बोलो, इसका फुल डिटेलिंग कर देता हूँ। ज्वाइनिंग से लेकर ए टू जेड कंपनी, सैलरी क्या दे रही, पैकेज क्या है, टोटल पहले चैनल को सब टोटल नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दो ना, और आपने बोला था तो मैं सारी इंक्वायरी आपको वीडियो में देते रहूँगा, और वीडियो पर बने रहिए। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए भाई, नोटिफिकेशन जाता है क्योंकि जॉब कहीं की भी कभी भी कहीं की भी आ सकती है, तो बिल्कुल आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मैं कहीं भी पोस्ट डाल सकता हूं क्योंकि बहुत सी जॉब देखिए, आरबीएल फाइनेंस एक बैंक है और आरबीएल एक बैंक है और आरबीएल फाइनेंस इसकी एक श्रृंखला है, ठीक है, उसी की एक श्रृंखला है। इसमें बहुत सारे फाइनेंस है, एवरी फाइनेंस। तो आरबीएल फाइनेंस में लोन पहले सुन लो क्या क्या है, जॉब आपको किस किस में मिल सकती है। इसमें होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, एवरी लोन है, मतलब आप लोन की जितना लोन होता है दुनिया में वो आरबीएल फाइनेंस में सब लोन है, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपकी सैलरी, ऐसे आपकी सैलरी फील्ड ऑफिसर ऐसी क्या रहने वाली, तो आपकी सैलरी रहेगी भाई बेसिक, आपको एज ए ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो लोन में जा रहे तो 12th पास चल जाएगा, लेकिन एज ए बैंक आपको ग्रेजुएशन उनका क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन आप रहेंगे तो मस्ट आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक है इनका 5,500 रुपये, ठीक है, और एक्स्ट्रा अलाउंस इनका कुछ है 6,000 रुपये, कुछ इनका एक्स्ट्रा अलाउंस है, टोटल ये बन रहा है 11,000 रुपये। इसके अलावा आपको बोनस ओनस मिला के, आपको इंश्योरेंस दुनिया कवर आपको सब मिला के, आपको टोटल ये जा रही है 16,000 से करीब 19,000 रुपये। ये आपके एक्सपीरियंस और उसके बेस पे, और आपके जहाँ रहते हैं उसके बेस पे अलग अलग चेंज हो जाएगा, मतलब आपकी मल्टीपल सिटी है, आपकी बहुत बड़ी सिटी है, आपके सिटी में एवरेज क्या है, पेट्रोल का एवरेज क्या है, क्राउड का एवरेज क्या है, इसके हिसाब से उस तनख्वाह अड़ती बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो आप जहाँ पर रहते हैं, आपके शहर का इकोनॉमी कैसा है, तो उसके हिसाब से फाइनेंस कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितने पैसे देना चाहिए। फाइनेंस कंपनी में चाहती है कि भाई मैंने जिसको काम पर रखा है, जिसको वर्क पर रखा है, उसको घाटा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। ये और बहुत लोग पूछते हैं सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सैलरी हमेशा मिलती है भाई, आप काम करें ना करें सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 28 तारीख को OCB अकाउंट में आने वाला है, छोड़ना जॉब तो 29 को छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, प्लस इसके बाद कंपनी का मेन होता है फाइनेंस कंपनी, भाई देखिए इंसेंटिव ही मेन होता है, ठीक है, एज ए सैलरी की बात कर रहा हूँ, मतलब है ना, सैलरी इंसेंटिव इक्वल है फाइनेंस कंपनी, बाकी में आप जाएंगे तो अलग भाग की सैलरी अलग मिली 1,00,000 रुपया, उसके बाद इंसेंटिव और आ गए 10,000-15,000 रुपया, लेकिन फाइनेंस में जस्ट इसका उल्टा है, सैलरी होगी 10,000 रुपया और इंसेंटिव आएंगे आपके 50,000 रुपया, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, ठीक है। फाइनेंस कंपनी बिल्कुल अलग चलती है कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट में सैलरी ज़्यादा प्लस इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा मंथली 6 मंथ में रहेगा, किसी का इतने मंथ में रहेगा, लेकिन फाइनेंस कंपनी में क्या, हर मंथ इंसेंटिव है प्लस इसमें सैलरी कम है और इंसेंटिव दबा के, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, आपको परफॉर्म करते रहना है, सिक्स मारते रहना है, और पैसे में फिर आपको बारिश से कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंस कंपनी का कहना है कि आप परफॉर्म करो ना भाई, हम आपको जॉब दे रहे हैं, आप फील्ड पर जाओ, आप फाइनेंस करो, आपको जॉब दिया मैंने कलेक्शन कर, जाकर रिकवर करके ला के दो ना, उसके बाद आप करो ना आपको जो करना है, ठीक है। प्लस भाई देखो, सब फाइनेंस में कमाई होती है, मेहनत करोगे अच्छे से करोगे तो आपको मेहनत पैसा मिलेगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा। इवन मैं बता रहा हूँ, अगर आरबीएल फाइनेंस में आप जॉब करती हो, आप किसी भी फाइनेंस में जॉब करते हो, तो भाई 25,000 रुपया एज ए फ्रेशर है, मैं छोटे सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भोपाल जबलपुर अपन जैसे रहते हैं आसपास, ठीक है, ये सब सिटीज़ का बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर बड़े बड़े हाईटेक सिटी बीटेक सिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ का भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ऐसे छोटे मोटे शहरों का बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं हिंदी बोलने वाले रहते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे भोजपुरी बोलते होंगे चाहे मराठी बोलते होंगे, तो इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको बड़े बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर के पास ही, आपको घर के बाजू बगल में हो सके तो आपके घर के बगल में ही ऑफिस हो गया, आपके घर के ऊपर ही ऑफिस हो गया, आपके घर में किराए दिए हो गए ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, अभी तो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही, पहले ऐसा लेती थी कि भाई छोटे मोटे काम करते थे, अब तो
तो घर के बाहर आपको 5 किलोमीटर में जॉब मिल रहा है भाई, सीधा बात है घर के पास। मैं एजुग्रेशन की बात कर रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर बोलते हैं कई लोग कि सर मेरे को तो यहाँ मिल जाता दूर, ठीक है। तो नहीं, एज ए मैं आपके सिटीज़ की बात कर रहा हूँ भाई, मेरी सिटी है 5-6 किलोमीटर की। तो भाई सब ऑफिस है मेरे से, घर से 2-2 किलोमीटर में ऑफिस है, मेरे घर से 10 मिनट में ऑफिस है, ठीक है। मैं घर के बगल में कई फाइनेंस कंपनियाँ हैं दुनिया भर की, ठीक है। मेरा सिटी में घर है मैं, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो मेरा पेट्रोल अलाउंस तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको इवन बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है जो अभी भी करते हैं श्रीराम फाइनेंस में, उनके पास तो 2 साल बाइक नहीं थी, ठीक है। और वो ऐसे आदमी है कि बाइक लिए भी नहीं, समझे, लेने के लिए 2 मिनट में बाइक ले सकते हैं, ठीक है, कार ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिए ही नहीं। सीधा ऑफिस आते थे भाई मेरे सामने, 8:30 बजे ऑफिस हम लोग लगता था श्रीराम का, वहाँ आते थे, बस बैठ गए, जितने नए आए उन किसी को फाइल दे दिए, किसी को ये दे दिए, किसी को वो दे दिया, उनका मार्केट ऐसा जमा हुआ था, फ़ोन में खाली काम। हाँ, मैं लड़के को भेज देना, फाइल साइन कर देना, ये डॉक्यूमेंट भेज देना, बस 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 बस। आप 2 साल बिना बाइक के, एक्चुअली क्या था, उनका फ्रेंड भी BMW उनका फ्रेंड था, ठीक है। तो वो रोक देता था कि इनके फील्ड पे नहीं जाते हैं, ये बात अलग थी। और ऑफिस स्टाफ भी ऐसा था कि उनको मना, मतलब कोई कंप्लेन नहीं किया कि फील्ड पे नहीं जाते, नहीं तो कंप्लेन हो जाता कि आप फील्ड पे क्यों नहीं जाते, बल्कि ठीक है, ऐसा होता है BMW के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब काम हो रहा है भाई, आपने बोला कि इस महीने 25 फाइल दो, वो 26 कर दिए, तो कंपनी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कंपनी बोलती है कि आप फील्ड पे जाके करिए ना, ठीक है। लेकिन उनका मार्केट इतना बना हुआ था, तो वो 25-35 फाइल ऐसी करते थे, ऐसे शीजा मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इंसेंटिव तो कूड़े और कचरे की तरह उनको पैसे मिलता था, ठीक है। तो यही है इसका, और बैक ऑफिस में इसकी सैलरी भी आप करीब 16-17 हज़ार बनेगी, और कलेक्शन फाइनेंस में तो देखिए आपको सैलरी सेम मिलने वाली है। अगर फाइनेंस में करेंगे तो आप ज़्यादा कमाएंगे, कलेक्शन में इवन कम होता है, कलेक्शन में जॉब थोड़ा सिक्योर होता है कि आपको खाली पैसे लेके आना है, फाइनेंस में आपका मार्केट है, पैसे बांटना है, उसमें कस्टमर अननोन रहते हैं। लेकिन आपको कलेक्शन में तो कस्टमर क्या रहेंगे, आपके क्या बोलते हैं, जानते हैं, इनसे पैसा लेके आना है ना, किसी अदर वे से तो लेके नहीं आना है। तो फाइनेंस में आपको पैसे बांटना है, तो उसमें ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। जिसमें आपके पास कंपनी के लिए ग्रोथ करोगे तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरा फेवरेट अगर पूछेंगे तो भाई फाइनेंस कंपनी में जॉब बेस्ट कौन सा है, तो मेरे दोनों है, फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंस में काम करने में परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है, और कलेक्शन एक सिक्योर जॉब है, आप जा पैसा लेके आ गए, चाहे आप फलना कलेक्शन लाए, आप ओडी कलेक्शन लाए, डिफॉल्ट कलेक्शन लाए, आप मैच्योर कलेक्शन लाए, आप कुछ भी लाए, केस लीगल कलेक्शन लाए, तो आप अलग अलग वे पे अलग अलग जॉब है, ठीक है। तो इसके लिए आपने बोला था कि सर कलेक्शन जॉब पे वीडियो बना दो, तो मैं कल नहीं परसों बनाऊंगा, क्योंकि कल मैं आपको ला रहा हूँ अपना ग्रुप, जो पिन ग्रुप है, पिन ग्रुप जो अपना स्टार्ट हुआ है, उसको मैं कल रिवील करूंगा, और कल की वीडियो में बताऊंगा कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। कल मैं स्टार्ट करूंगा ज्वाइनिंग करना, क्योंकि एक रखने वाला हूं मैं किसी को जॉब पे, वो जॉब पे आ जाएगा, जैसे भी हो जाएगा तो फिर इस पर जॉब अपडेट आपको मिल जाएगी। अभी आप जॉब ज्वाइन करें, 2 महीना उस ग्रुप को बनने में लगेगा, ठीक है, उसको अभी तो लगेगा, ठीक है। उसमें पोस्ट तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसको मल्टीपल पोस्ट, हर जगह पोस्ट आने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके लिए कोई जॉब पे रहेगा तो वो पोस्ट डालते रहेगा, अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, या कल का वीडियो देख लेना, मैं आपको एक कोड नंबर बताऊंगा, ठीक है। उस कोड को आप बता देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ये कल के वीडियो में रहेगा, उसके बाद फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते अपने ग्रुप को बनाएंगे। मेरे को क्या है, 12-15 हज़ार रुपये देना पड़ेगा किसी को, क्योंकि वो जॉब करेगा मेरे पास में, और आपको ग्रुप में पूरा अपडेट करेगा। तो इसके लिए आप नीचे मतलब कुछ ना कुछ हम व्यवस्था कर लेंगे, फाइनेंस वाले यार इतना नहीं करेंगे तो फिर क्या कर लेंगे। कल का वीडियो रेडी रहना, और परसों के वीडियो में आपको ला दूंगा, नर्सों के वीडियो भी आपके लिए, हर टोटल आपको ला दूंगा। टोटल इस पिन ग्रुप को थोड़ा अपन आप शेयर कीजिए, लाइव भेजिए, दुनिया भर के अपनी सब जगह भेज दीजिए, ठीक है। तो ग्रुप एडवांस होगा, ग्रुप बढ़ेगा तो आपको ही फायदा होने वाला है। देखिए भाई, मैंने तो जॉब कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। फायदा किसको होगा, आपको होगा। ग्रुप आगे बढ़ेगा, चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। जितना मेरा चैनल आगे बढ़ेगा आपको फायदा होते जाएगा, ठीक है। चाहे एजुकेशन मिले, चाहे नॉलेज मिले, चाहे समाधान मिले, भले ऐसा नहीं कि मैं आपको जॉब ही दिला पाऊँ, आपको स्टैंड कर दूँ। आप नॉलेज लेके भी बहुत तरीके से अपना वे अर्न कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता, होप आप वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए को लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।